नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए अप्पम रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कप सूजी लिए हैं, ये वेट में 200 ग्राम है। और इसी कप से मैंने आधा कप दही नाप कर लिए हैं, तेल 2 बड़े चम्मच, प्याज एक प्याज को काट लिए हैं बारीक, धनिया थोड़ा सा काट कर लिए हैं, स्वीट कॉर्न के दाने आधा कप लिए हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं, नमक एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, या लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं तो एक चौथाई छोटी चम्मच लें या इसके बिना भी बना सकते हैं, राई दाना आधा छोटी चम्मच, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिए हैं, 1 स्मॉल पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का लिए हैं, इसके जगह बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं आधा छोटी चम्मच, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस कर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए बैटर बना लेते हैं। तो एक बॉल में ये सूजी डालेंगे और ये दही, दही को इस तरह से पहले मिला लेंगे, फिर इसमें आधा कप पानी डालेंगे, अब पानी को डाल लेते हैं और एक बार इस तरह से मिला लेते हैं। फिर अभी ये बैटर पतला लग रहा है लेकिन तुरंत ये सूजी सोख लेगी पानी को, तो ये गाढ़ा हो जाएगा बैटर। इस तरह से मिला लेते हैं, देखिए गाढ़ा हो गया। अब इसमें स्वीट कॉर्न के दाने और धनिया पत्ता और नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर बिना भी बना सकते हैं लेकिन ये डालने से कलर अच्छा आएगा अप्पम का। अब इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लिए हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढककर सेट होने के लिए। सूजी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी तब हम अप्पम बनाएंगे इसका। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए बनाते हैं अप्पम। तो सबसे पहले गैस ऑन करके गैस पर एक तड़का पैन रख लेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालते हैं राई के दाने और राई दाने को चटकने देंगे। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च और प्याज, और प्याज को चलाते हुए इस तरह से सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। तो प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे बैटर में डाल लेते हैं और डालकर इस तरह से मिला लेते हैं। एक बार बैटर में अच्छी तरह से मिल जाएंगे सारे तड़का। तो अब अप्पम मेकर को गर्म करेंगे, तो अप्पम मेकर को गर्म होने देते हैं और इसमें तेल डाल लेते हैं 2-3 बूंद। आप चाहें तो इसे बिना तेल को भी बना सकते हैं, नॉनस्टिक बर्तन है ऐसे भी बन जाता है अप्पम। यदि आपके पास ये पैन नहीं है तो आप इसे इजली मार्केट से मंगवा सकते हैं, और ऑनलाइन भी मिलता है तो आप इजली इसे ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। अब हम एक ब्रश की सहायता से अथवा चम्मच की सहायता से इस तरह से तेल को फैला लेंगे। तो आप अप्पम बनाने के लिए सारी तैयारी कर लिए, अब लास्ट में डालते हैं यूनो, इसे फोर कर डाल लेते हैं और एक बार हल्के हाथों से इस तरह चला लेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। इनो डालते ही ये बैटर बहुत हल्का हो जाता है, देखिए। अब इसे एक चम्मच की सहायता से इस तरह से सारे खाने में डाल लेंगे। और गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखे हैं, सारे पहले डाल लेते हैं फिर मीडियम कर लेंगे गैस का फ्लेम और इसे ढककर 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब इसे ढककर 2 मिनट पहले पकाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे बीच में पका है कि नहीं। तो देखिए 3 मिनट हो चुका है, एक बार मैंने चेक कर लिए थे तो अप्पम नहीं पका था, तो फिर मैंने 1 मिनट के लिए फिर पकाए, अब ये पक चुका है। तो अब इनके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का तेल लगा देंगे कोई ब्रश की सहायता से अथवा चम्मच की सहायता से, और फिर पलट लेंगे इस तरह से इसे, देखिए सारे इसी तरह से पलट लेंगे। तो देखिए सारे अप्पम को पलट लिए हैं, अब इसे ढककर 2 मिनट उधर से भी पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं,
अब हम अपम को चेक करते हैं। तो उधर से भी अपम पक चुके थे, तो हम सारे अपम को निकाल लेते हैं और बाकी का भी अपम इसी तरह से पकाएंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेते हैं और इसी तरह से एक एक चम्मच बैटर डालेंगे इसमें और उसी तरह से फिर ढककर 2 मिनट पकाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उधर से भी पकाएंगे, चेक करेंगे और निकाल लेंगे सारे अपम। तो अब ये सारे अपम पक चुके हैं, इसे भी दोनों तरफ से पका लिए हैं, अब सारे निकाल लेते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे धनिया चटनी, टमाटर सॉस अथवा और कोई मनपसंद चटनी हो तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसे हम कोई पार्टी में एज अ स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं, बच्चे के टिफिन में सर्व कर सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना तो बहुत आसान है, आपने देखा ही। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।